हमीरपुर जिले में बहुचर्चित रिवाल्वर रानी ने आखिरकार आज अपने प्रेमी अशोक यादव से अपने परिवारजनों की मौजूदगी में मंदिर में शादी कर ली। इस अनोखी और बहुचर्चित शादी को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ का तांता लगा रहा। इस दौरान रिवाल्वर रानी ने अपने प्रेमी अशोक के साथ सात फेरे लेते हुए उसके नाम का मंगलसूत्र पहनकर जीवन भर साथ जीने मरने का वादा भी किया। हाथों में मेहंदी लगाए, चेहरे में शादी की खुशी की मुस्कान लिए और शादी के जोड़े में सजी है लड़की, वही रिवाल्वर रानी है जिसके इश्क करने के अंदाज के चर्चे देश विदेश सहित गली गली मशहूर हो गए हैं। यह वही रिवाल्वर रानी है जिसने अपने प्रेमी को दूसरी जगह शादी होने के दौरान रिवाल्वर के दम पर मंडप से किडनैप कर लिया था और आज उसी प्रेमी अशोक से यह हमीरपुर के चौरा देवी मंदिर में शादी कर उसे अपना हमसफर बना रही है। और कैसे आपने कब की घटना थी, कैसे उठाया था पूरी बात? 15 तारीख की घटना है ये। 15 तारीख को इनकी बारात गई थी, उस दिन की घटना है। क्या किया था आपने? गए थे मंडप से उठा लाए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ? बस मंडप से उठा लाए, फिर अपने अपने घर भी चले गए थे। मतलब कि ये हुआ कि फिर पुलिस छानबीन हुई, इनको अपने घर में मिले, फिर पहुंच गए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी तो इनको जेल जाना पड़ा भारतीय साइड से। जेल से छूटने के बाद आज आप कहाँ पे शादी कर रही हैं और आगे क्या प्लान है आगे का? चौरा देवी मंदिर से हम दोनों शादी कर रहे हैं और आगे साथ में ही रहेंगे हमेशा। क्या आपने कोई एनजीओ बनाया है, उसकी डायरेक्टर भी हैं? जी हाँ, बनाया है। मतलब कि जो महिलाएं कमजोर हैं या उनकी संस्था के लिए बनाया है। क्या बनाया है, एनजीओ कौन है? पिस्तल क्या करेंगी? एक ही एनजीओ में कैसी हेल्प करेंगी आगे महिलाओं के लिए जो जैसे उत्पीड़न है या परेशान है, अपने से जो जैसी परेशानियां लेके आएंगे उस तरह के हिसाब से उनकी। उनको रिवाल्वर के बल पे ही उठा लेंगे। आज आपके परिवार वाले नहीं साथ में, ताकत से बड़ी तो क्या कहना है इस पे? जब नहीं काम होगा तो रिवाल्वर भी उठाऊंगी, ये बोलो। ताकत या बल से काम करूंगी, जब नहीं होगा जरूरत पड़ने पर ही रिवाल्वर उठाऊंगी। इसके बाद अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब तो आएंगे बांदे में रहेंगे और जहाँ जॉब लग जाएगी वहाँ लखनऊ में। बंडबाजों के बीच मंदिर में हो रही इस शादी के सैकड़ों लोग गवाह बने हुए हैं। गौरतलब है कि बांदा जिले में मटौद थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव निवासी राम हेत यादव के पुत्र अशोक कुमार यादव की छोटी बाजार में रहने वाली लड़की वर्षा से प्रेम संबंध हो गए थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने समय तमाम वादे भी किए, मगर प्रेमी अशोक उनसे मुकर हो गया। प्रेमी अशोक की शादी हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी राम सजीवन की बेटी भारती से तय हो गई। तय कार्यक्रम के अनुसार अशोक की बारात भवानी गांव आई थी। शाम को कन्या पक्ष ने बारातियों की आवभगत की, उसके बाद जयमाल कार्यक्रम और भोजन आदि हुआ। रात 1:30 बजे करीब चढ़ावा चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था और दूल्हा अशोक कुछ बारातियों के साथ जनवासी में मौजूद था। इसी बीच अशोक की प्रेमिका वर्षा अपनी एक सहेली कृति और दो युवकों के साथ आ पहुंची और फिल्मी स्टाइल में रिवाल्वर लगाकर उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद अशोक और वर्षा को ढूंढने में पुलिस को भारी मशक्कत उठानी पड़ी थी। शादी समारोह से दूल्हे के अपहरण के बाद दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया था, लेकिन जब पुलिस ने दूल्हे अशोक और उसकी प्रेमिका वर्षा को गिरफ्तार किया तो दोनों की प्रेम प्रसंग की कहानी खुलकर सामने आ गई। पीड़ित दुल्हन भारती के परिजनों ने दूल्हे पक्ष से शादी में खर्च हुए रुपयों को देने की मांग की, लेकिन दूल्हे का पिता भारती से उसके छोटे बेटे की शादी करवाने को तैयार हो गया, लेकिन दुल्हन के पिता ने उसे परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। इसी मामले को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए दोनों पक्षों में कई दिनों तक पंचायत हुई, लेकिन किसी भी बात पर सहमत न बन पाई और पीड़ित दुल्हन के पिता ने दूल्हे अशोक के परिवारजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आपके साथ जो है शादी रचा रही है, अच्छा फील हो रहा है। इतने इन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए, अच्छा फील हो रहा है। हम लोग साथ रहेंगे सारी जिंदगी भर, हम लोग साथ रहेंगे हर तरह से, बिल्कुल इनके साथ ही हर तरह से, बिल्कुल दुख सुख में सारी जिंदगी भर जीवन भर साथ निभाएंगे इनका। क्या हर आप कैसे प्रेम हुआ था, आज जो है आप शादी के बंधन में? हम लोग साथ रहेंगे। और अशोक को जेल जाना पड़ा,
लगभग 2 महीने तक जेल में रहने के बाद प्रेमी अशोक को उसकी प्रेमिका वर्षा ने कड़ी मेहनत के बाद जमानत पर रिहा करवा लिया और आज अपने परिवारजनों की मौजूदगी में 14 दिन मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर अपना जीवन साथी बना लिया। अपने प्यार को पाने के लिए भी रिवाल्वर रानी बनी वर्षा साहू ने आखिर अपने प्यार अशोक को पा ही लिया। अपने 2 माह के संघर्ष के बाद अपने प्रेमी को जेल से रिहा करवाने के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंध कर साथ जीने मन की कसम खा ली थी और आज मंदिर में शादी कर उसे पूरा भी कर लिया। साथ ही साथ वर्षा ने एक NGO रिवाल्वर रानी बनाकर समाज में सताई गई महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अब देखना यह होगा कि रिवाल्वर रानी की यह पहला क्या रंग दिखाएगा, क्या वो NGO के द्वारा मदद कर अन्य लड़कियों से भी उनके प्रेमियों को मंडप से उठवाने में मदद करेगी। सेना ने यहाँ पे शादी कराई मामला यह था कि घाबरा गाँव में अशोक यादव की शादी हो रही थी, उस मंडप से वर्षा साहू बांदा से आकर के अपनी दबंगई के दम पर दूल्हे अशोक यादव को उठा करके ले गई थी। हमने देखा कि एक बहादुर लड़की है जिसने इतना बड़ा काम किया है कि एक दूसरे गांव से हजारों लोगों के बीच से दूल्हे का अपहरण कर लिया। इतना प्रेम, उनका प्रेम अटूट था, प्रेम की सच्चाई को देख करके हमने दो प्रेमियों को मिलाने की कोशिश की और उसीलिए हमने अशोक यादव की जमानत कराई। अशोक यादव की जमानत कराने के बाद उसकी शादी करा रहे हैं। शादी कराने के साथ साथ वर्षा और अशोक को एक संस्था का निर्माण करके भी दे रहे हैं जिसका नाम रखा हमने रिवाल्वर रानी। रिवाल्वर के दम पर उसने उठाया था और रिवाल्वर के दम पर इस संस्था का नाम रखा गया है रिवाल्वर रानी NGO, जिसको लेकर के महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, लूट, अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए, कानून के अधिकारों को दिलाने के लिए यह संस्था काम करेगी, जिसमें वर्षा साहू इसकी डायरेक्टर होंगी। संरक्षक के रूप में काम मैं सहयोग करता रहूँगा क्योंकि ये नए बच्चे हैं और भविष्य में हो सकता है अच्छा काम करेंगे। जनपद हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट।